चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या हुआ दाइमा? जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं, ये मैं जानती। तुमने मेरा साथ दिया, क्या वजह हो सकती है? आखिर करना क्या चाहती हो तुम? वही जो आपके साथ होना चाहिए। राज्य से आपको इतना विश्वास और सम्मान मिला, वो बस अब कुछ दिनों के लिए है। बहुत जल्दी आपका असली चेहरा राज्य के सामने आने वाला है। चमत्कार की उम्मीद दीवाने किया करते हैं, जो 25 साल में नहीं हुआ वो अब क्या होगा लता रानी? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे यहां से निकालने के चक्कर में तुम खुद ही राज को खो बैठो। 25 साल पहले जो आपने माँ के साथ किया वो हमारे साथ करने की सोचेगा भी मत। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही को मुंह की खानी पड़े। जिस खेल की मैं माहिर हूं उसी में तुम मुझे मात देने की कोशिश कर रही हो लता। राज को तो तुम्हें खोना ही होगा। देखते हैं कौन क्या खोता है और क्या पाता है। ठीक है लता ठाकुर, देखते हैं। शांति शांति शांति। पूजा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई, अब तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। डॉक्टर पावनी कैसी, क्या हुआ? बच्ची बिल्कुल ठीक है, कमाल की बात है, उसे इंजेक्शन देना ही नहीं पड़ा, उसके पहले ही बुखार ठीक हो गया। वेरी गुड। मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, आप ले लीजिएगा और बच्ची को आप घर पर ले जा सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। लगता है माँ की दुआओं का ही असर है। देखा, पावनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। परी, आपके पास आपके पापा का नंबर है? हाँ, बोलो। 98। धन्यवाद गुरुजी। हेलो, मैं करण बोल रहा हूँ। मुझे मिष्टी ने कहा कि परी आपके साथ है, हम लोग पावनी को लेके हॉस्पिटल आए, तो मुझे परी से बात करनी जल्दी। क्या? एक मिनट, करण का फोन आया, वो पावनी के साथ हॉस्पिटल में। क्या? हाँ करण, आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? आप और पावनी ठीक तो है ना? करण बताइए ना। हाँ, वो एक्चुअली पावनी को बहुत बुखार हो गया था और वो बहुत रोने लगी थी। पर आप हॉस्पिटल में? हाँ, आप फिक्र मत करो, अब सब ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं पावनी का ध्यान रखूंगा, तो मैंने प्रॉमिस निभाया, मैं उसका ध्यान रखूंगा, डोंट वरी। पावनी ठीक है? हाँ, और अभी हम लोग घर जाने वाले, तो आप घर आ जाओ। थैंक यू करण। थैंक यू कैसा, हम लोग तो फ्रेंड्स है ना? आप भी हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। हम बस जल्दी ही आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। हाँ, घर पे मिलते हैं। ओके बाय। मिस प्रसाद, पावनी की तबीयत खराब थी, फिर भी आप मिष्टी के लिए यहाँ पे आए। मिष्टी के ऑपरेशन के लिए ये पूजा बहुत जरूरी थी। डॉक्टर रॉय, मिष्टी और मयंक की जिम्मेदारी हमने कहने के लिए नहीं ली है। अगर ये पूजा नहीं करवाते तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाते, मन में हमेशा के लिए ग्लानी रह जाती। ये आपका फोन, अब जल्दी चले, पावनी को हमारी जरूरत है। पावनी, करण पावनी ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक। पावनी बहुत रोई आपके बिना, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे।
आप कहाँ चली गई थी? आज के बाद आप ऐसे हमें छोड़कर कभी मत जाना। बेटा, हम भगवान से आपके लिए तो मांगने गए थे कि आप बहुत जल्दी हम सबको और इस सुंदर दुनिया को देख सके। फिर से कभी नहीं जाएंगे ऐसे। फिर ठीक है आभा आंटी, आप साथ रहेंगी तो मैं कभी भी हारूंगी नहीं छुपा छुपी में, क्योंकि मैं देख नहीं सकती ना। अब देखते हैं आप कैसे हारेंगे। बस 3 दिन के बाद तो आप सबकी छुट्टी कर देंगे, है ना? घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। अपनी बेटी को मरता छोड़ दूसरे की बेटी के लिए कोई माँ कैसे जा सकती है? पति बदला है ये बात समझ में आती है, मगर खुद की बेटी के लिए किसी माँ का मोह कैसे कम हो सकता है? मामी जी, हम पावनी को अपने करण के पास छोड़कर गए थे। देखा आपने, करण ने कितने प्यार से ख्याल रखा है पावनी का। हाँ, वो तो है। अरे भगवान का शुक्र है जो करण गाड़ी में सही सलामत वापस आ गया बच्ची के साथ, नहीं तो मुझे तो लगा था आज करण फिर से कोई नया एक्सीडेंट करेगा। करण, आपने आपने गाड़ी आप पकड़ी ना पावनी। कैसे जाते हॉस्पिटल? पावनी को बुखार हो रहा था ना, और डॉक्टर भी नहीं आ रहा था, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं पावनी का ध्यान रखूंगा। पर करण गाड़ी पर, मेरे साथ मिष्टी थी, उसने मेरा पूरा ध्यान रखा, मिष्टी ने सब गाइड किया। मैं इन्होंने जो किया वो किया, आप ऊपर खड़ी रहकर बस देख रही थी, चाय पी रही थी। इनको कुछ हो जाता, बच्चों को कुछ हो जाता तो मिसेस प्रसाद अब इतना परेशान क्यों हो रही है? इन्होंने गाड़ी, परेशान की बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है, करण इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, दवाइयों का असर हो रहा है इस पे, इट्स गुड। सच? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि हमें कल हॉस्पिटल चल के इसका चेकअप करवाना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे को नहीं आना हॉस्पिटल। मैं एक काम करता हूं, मैं जरा हॉस्पिटल फोन करके अपॉइंटमेंट का पता करता हूं, फिर आपको बताता हूं। ओके, थैंक यू। करण, थैंक यू करण। मम्मी थैंक यू क्यों बोल रही है? आपने हमारी पावनी का इतना ख्याल रखा। पावनी तो मेरी भी है ना। चलो चलो मिष्टी, अभी क्या खेलेंगे? अब क्या खेलेंगे मिष्टी बताएगी। जितना खुश होना है हो ले आभा, क्योंकि आज रात के बाद खुशी की सारी वजह ही खत्म हो जाएगी। की तबीयत बहुत खराब है, अगर आप एक बार आकर उसकी जांच कर ले तो बहुत मेहरबानी होगी।